हेलो एंड वेलकम, आई एम शेफ संजीव कपूर। गुरु नानक जयंती के पवित्र मौके पर बनाई एक स्पेशल रेसिपी, एक स्पेशल दाल मखनी बनाऊंगा मैं, क्योंकि दाल मखनी कोई भी रेस्टोरेंट चले जाएं, ढाबे चले जाएं, सबको लगता है कि दाल मखनी मिलनी चाहिए। और उसको और बढ़िया बनाएंगे न्यूट्रलाइट दूध शक्ति प्रोबायोटिक बटर स्प्रेड से। ये जो दूध शक्ति प्रोबायोटिक बटर स्प्रेड है ना, ये बना है क्रीमी दूध से, जी हाँ, और इसमें डले हैं प्रोबायोटिक्स आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट करने के लिए। इससे जो आपकी दाल मखनी है ये और भी हेल्दियर हो जाएगी और डिलीशियस होगी। चलिए बनाते हैं। होल उड़द जो है वो चाहिए, ये काली दाल, माँ की दाल भी बोलते हैं पंजाब में, कश्मीर जम्मू वहाँ से ये वर्ड आया था। राजमा है ना, वो कहते हैं कि जम्मू में बड़े होते हैं। इनको भिगो के फिर इसको हम बॉईल करेंगे, तो ओवरनाइट सोक करें दोनों को। और इसको हम सोक्ड दाल को और राजमा को, नमक, लाल मिर्च पाउडर और अदरक के छोटे पीसेज, भाई पानी तो चाहिए ही ना, थोड़ा इसका बटरी टेस्ट है ना, मखनी दाल मखनी है तो मक्खन का टेस्ट कैसे आएगा, वो आएगा ये न्यूट्रलाइज दूध शक्ति प्रोबायोटिक बटर स्प्रेड से। इसमें अच्छा, ये थोड़ा सा इसमें जेनरोसिटी चाहिए, बिकॉज रेसिपी यही है, नाम में ही है दाल मखनी, दाल भी होना चाहिए मक्खन भी होना चाहिए, तो ये स्पेशल मेरे पास मक्खन है न्यूट्रलाइट दूध शक्ति प्रोबायोटिक बटर स्प्रेड। और इसमें ये मेरे पास जीरा, इसके अंदर थोड़ा चॉप्ड जिंजर, जिंजर का टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है, कटा हुआ प्याज, प्याज को पकने देते हैं, इसमें हम थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे, इफ़ यू लाइक लिटिल बिट ऑफ गार्लिक पेस्ट, गार्लिक पेस्ट के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें लाल रंग जो है वो अच्छा लगता है, तो लाली इसमें आएगी, लाल मिर्च पाउडर, और जो लाल मिर्च आप चूज़ करें वो ऐसे वाली चूज़ करें जिसमें तीखापन कम हो और रंग ज़्यादा आए। चलिए ये हो गया, इसके साथ में इसमें टमाटर डालता हूँ मैं, प्यूरे किया हुआ फ्रेश, एंड टोमेटो की प्यूरी पैकेट वाली, ये दोनों इसमें डाली और इसको पकने देते हैं। 6-7 सीटी बज चुकी हैं, अब ये पूरी तरह से तैयार हो जाना चाहिए, और उसके बाद में सीटी जब ये पूरी तरह से बज जाए तो इसको धीमी आंच पे और पकने दें, राइट, और इसको तब तक अपनी स्टीम में रहने दें जब तक इसमें स्टीम ऑलमोस्ट ना निकल जाए, और उसके बाद में ये जो तड़का है हमारा ये तैयार है। अब इसको इसके अंदर डालें या दाल इसके अंदर डालें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई देखिए, गुरु नानक जयंती है तो जैसे मतलब लंगर होता है ना, गुरुद्वारे में जाते हैं तो लंगर होता है, तो लंगर में गर्मा गर्म एकदम बढ़िया फ्रेश खाना मिलता है और सब तरह के लोग वहाँ पर आके खाना खाते हैं, तो थोड़ा सा प्यार के साथ में, थोड़ा सा इत्मीनान के साथ में इसको बना रहे हैं ये स्पेशल दाल मखनी। ये जो दाल है ये बढ़िया से पक गई, लुक एट द कलर, बढ़िया सी इसमें जो रेडनेस आ रही है ये आ रही है लाल मिर्च की वजह से और टमाटर की वजह से, और फ्लेवर गरम मसाला पाउडर, एंड उसके साथ में फ्रेश क्रीम, इफ यू वांट फ्रेश क्रीम, नाइस एंड क्रीमी बट नॉट टू मच। ये हो गई हमारी दाल मखनी, यस, बट बिफोर दैट लेट मी टेस्ट दिस। क्या बटरी टेस्ट है, बढ़िया है, स्वादिष्ट है। इस गुरु नानक जयंती बनाइए ये सोलफुल डिश दूध शक्ति प्रोबायोटिक बटर स्प्रेड के साथ, और आपकी फेस्टिव रेसिपी शेयर कीजिए मेरे
और न्यूट्रोलाइट के साथ यूजिंग हैशटैग फेस्टिव डिलाइट्स विद न्यूट्रोलाइट। भाई देखिए, अगर प्राइज जीतने हैं ना तो शेयर तो करना पड़ेगा, और जो अपनी रेसिपी है ना दूसरों के साथ जब शेयर करते हैं ना तो मज़ा ही आता है। आपकी रेसिपी फेमस होगी, आप फेमस होंगे, प्राइजेस मिलने के चांसेस बढ़ते हैं। तो इसलिए नॉलेज रेसिपी ये शेयर करनी चाहिए। मैं देखिए कितने सालों से शेयर कर रहा हूँ, और एक चीज़ बताता हूँ कि खाने में ना जब कुछ आप शेयर करते हैं, चाहे वो रेसिपी है या खाना है या एक्सपीरियंसेस हैं, तो खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती हैं। जी हाँ, तो इसी तरह से खुशियाँ बांटते रहें। हैप्पी गुरु नानक जयंती।